हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ JSSC जो JEE का एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली 10 या 11 तारीख को पूरा एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं कि सारे जितने भी अभी तक JSSC के शिफ्ट हुए थे मैंने सभी का एनालाइज देखा है, यूट्यूब पर अलग अलग चैनल पर देखा सबका एनालाइज, बच्चे का फीडबैक देखा किस प्रकार से बच्चे बता रहे हैं कि प्रश्न आ रहे हैं उस नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन, क्योंकि नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन JSSC स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का और जो JSSC JEE है दोनों का सेम है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो जो पैटर्न है वो दोनों का सेम है, तो इसीलिए जो सिलेबस है जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो दोनों को सेम ही लेवल के आने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको भी पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है लगभग बहुत सारे वीडियो मैंने देखा, सभी बच्चे का बहुत सारे बच्चे का एनालाइज देखा, उनसे मैं देख पाया हूँ कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सबके लिए, लेकिन आप सब पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए, उसमें हमारे पास ना 5-6 सब्जेक्ट है, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ना GS के ऊपर। GS में क्या पूछा जाता है, GS में अभी ना रिसेंट में आपको जो एक तो झारखंड का आ गया, झारखंड के अंदर पूछा जा रहा है आपके, ठीक है, जो झारखंड है उसका GS पूछा जा रहा है कि झारखंड का आपको हिस्ट्री हो गया, झारखंड का पॉलिटी हो गया, झारखंड का ज्योग्राफी हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो झारखंड का बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपको झारखंड के नदी के बारे में हो गया, कोई भी ट्रैवल हो गया, कोई भी जो समूह है जैसे आदिवासी जो जनजाति से थे उनके बारे में, ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं झारखंड से। पहले मैं झारखंड के ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसको आपको हर हाल में देख लेना है, क्योंकि झारखंड से ना 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं और ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल आ रहे हैं कि झारखंड में कौन सी नदी नहीं बहती है, कौन से नेता थे, बिरसा मुंडा के बारे में ये भी आ रहे हैं। तो जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है इसको आपको देख लेना है, और मैं हर वीडियो में झारखंड के क्वेश्चन लाते रहता हूँ 2-4, तो उसको भी आप देख लेंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कहीं और सोर्स है तो थोड़ा बहुत झारखंड का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा झारखंड का, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है झारखंड GK का, ठीक है। तो आपको झारखंड GK में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मात्र 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 5 तो मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा झारखंड GK का, ठीक है। तो आपको झारखंड GK पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट नॉर्मल ध्यान देना है, ठीक है, आप हो जाएगा आपसे, अगर आप झारखंड के अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहता है पहले से। तो ये तो हो गया झारखंड GK के बारे में, आई होप कि आपको झारखंड GK के बारे में पता लग गया है किस टाइप के झारखंड GK का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है GS में, उसमें हमारे पास आ रहा है एक जो हमारे पास GK होता है, मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक GK हो गया, स्पोर्ट हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। तो उसमें हमको किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में देखिए। तो देखिए, जो करेंट अफेयर्स है ना, जिसको कि हम CA लिखते हैं शॉर्ट में, करेंट अफेयर्स है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि करेंट अफेयर्स से ना बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जो JSSC का JEE का एग्ज़ाम हो उसमें हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए, तो आपके पेपर में 5-6 क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस है। तो आप करेंट अफेयर्स को अच्छे से कर ले, 2022 थे इसको, और मैंने करेंट अफेयर्स के लिए आप सबके लिए टेलीग्राम पे दे भी दिया है मटेरियल, तो वहाँ से भी आप कर लेंगे। तो आप करेंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़े, क्योंकि करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है पेपर में, तो करेंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपको सबको पता है कि आपके पेपर में 60 क्वेश्चन आने हैं नॉन टेक्निकल का। तो करेंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से करेंगे, 5-6 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स को देखने को मिल सकता है, क्योंकि JSSC JEE के हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फिर करेंट अफेयर्स के बाद हम बात करते हैं पॉलिटी है, पॉलिटी से आपको ना आर्टिकल से क्वेश्चन हर हाल में आते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से आपको क्या करना है, आर्टिकल वाले जो पार्ट है उसको आपको कर लेना है, अगर आप नहीं है तो आप यूट्यूब पे कहीं सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है उसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आर्टिकल हो गया, उसके बाद ना स्टैटिक GK की बात करते हैं। स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में जैसे हमारे पास ना कुछ डांस हो गया, जैसे कौन से डांस किस राज्य से है, कुछ फेस्टिवल हो गया, जैसे पर्व कौन सा पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। किस खेल से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, ये भी स्टैटिक में है, किस, ठीक है, खेल से रिलेटेड है, ये भी स्टैटिक में है। फिर उसके बाद क्या है, एक अवार्ड पूछा जा रहा है, अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो अवार्ड वाले पार्ट को भी आप देख लेंगे, क्योंकि अवार्ड से भी सारे बच्चे बता रहे हैं कि पूछा जा रहा है। तो इन सब पॉइंट को आप क्या करेंगे, देखते जाएंगे स्टैटिक पार्ट के अंदर, ठीक है। स्टैटिक वाला जितना पार्ट है ना, मतलब इसमें मिसलेनियस एक तरह से कह दीजिए इसको, इसमें आपको सारे पॉइंट को कवर करना है, डांस हो गया, चाहे फेस्टिवल हो गया, चाहे वो अवार्ड हो गया, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप में ज़्यादा आने का चांस है, क्योंकि
JSSC JEE मात्र 40 क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन आने, मतलब 60 क्वेश्चन आने, तो आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है इन सब चीज़ों से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। देखिए GS में हमारे पास दो सेक्शन हो गए, एक तो हमारे पास हो गए कि झारखंड का GK, एक हो गया हमारे पास जो GK के अंदर जो पूरे इंडिया लेवल पर GK होता है, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया, स्ट्रेटिक GK के बारे में बता दिया, करेंट अफेयर्स के बारे में बता दिया। और देखिए एक GS के अंदर आपको एक और पार्ट देखना है, उसका क्या है, ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में क्या है कि आपको ना एक झारखंड के ज्योग्राफी और जो जो वर्ल्ड मतलब इंडिया का ज्योग्राफी है उसमें पता नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए आप जो झारखंड का आप ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उसी झारखंड के ज्योग्राफी में क्या करें, आप इंडिया वाले को भी मैच मतलब साथ में पढ़ ले, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस पर उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एक से दो क्वेश्चन इससे आ रहे हैं ठीक है, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना आपको ठीक है। और इकोनॉमिक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बाकी जो मैंने पॉलिटी बताया, स्ट्रेटिक GK बताया, करेंट अफेयर्स बताया और जो झारखंड का GK बताया, इन चारों पर आपको हर हाल में कमांड करना है तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप सबके लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास ना रीजनिंग आ रहा है और मैथ आ रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग और मैथ में क्या है, तो देखिए रीजनिंग बहुत ही ईजी आ रहा है, हर बच्चे कर लेंगे रीजनिंग में ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, देखिए जो जो टॉपिक आ रहा था ना, मैं हर वीडियो में आपको उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हूँ। जैसे आपको ब्लड रिलेशन से याद आ रहा है, ब्लड रिलेशन आप सब समझते होंगे कि जैसे रिलेशन होता है, जैसे पति का पत्नी रिलेशन बुला देता है उस टाइप का। फिर उसके बाद ना सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट दे दिया। फिर मिरर इमेज आ रहा है, आप सबको हम क्वेश्चन भी कराए थे ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप आ रहा है मिसलेनियस में, जैसे पजल हो गया, पजल नहीं आ रहा मतलब सीरीज का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे ऑड इवन होते हैं उनको फाइंड करना होता है, ये सब कॉमन कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग आपसे ईजी हो जाएगा, रीजनिंग का टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा भी पढ़ें रीजनिंग आपसे हो जाएगा ठीक है। रीजनिंग का घबराने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आप ईजी कर लेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग के आ सकते हैं ठीक है, तो आप रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैथ का। देखिए मैथ भी काफ़ी बच्चे का इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ भी काफ़ी बच्चे को नहीं समझ में आते। देखिए मैथ ना आपके 10th स्टैंडर्ड का आ रहा, 10th लेवल का मैथ आ रहा, जिसमें हम बताते हैं 10th मैथ मतलब बेसिक कितना आ रहा है मैथ का। देखिए आपको ना एक टाइम वर्क से आ रहा, टाइम एंड वर्क जो होता है उससे आ रहा, टाइम एंड वर्क से आ रहा मैथ में। फिर उसके बाद मैथ में आ रहा हम बताते हैं परसेंटेज से आ रहा मैथ में। फिर मैथ में आ रहा प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट जो लॉस होता है प्रॉफिट लॉस उससे आ रहा। फिर उसके बाद सर्कल हो गया, सर्कल से आ रहा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ट्रिगो वगैरह से नहीं आ रहा। इसी चैप्टर से आपको ना 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के बराबर ही आपको मिल जाएगा मैथ से, और बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं ना मैथ का, थोड़ा भी परसेंटेज कैलकुलेशन हैं तेन मतलब गुणा भाग करने की ज़रूरत आपको मतलब माइंड है तो थोड़ा सा आप कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप मैथ आपका कमज़ोर है तो आप मैथ पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह से कहीं से आप हेल्प ले लीजिएगा। जो SSC के GD MTS लेवल का होता है उसी टाइप का मैथ इसमें भी आता है, आप इस लेवल को कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ मैथ नहीं आएगा आपके पेपर में ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई, मैंने इतना चीज़ों के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद एक आ रहा है साइंस के बारे में, साइंस का क्वेश्चन कैसे आपको करना है। देखिए साइंस के क्वेश्चन भी आ रहा है, जिसमें कि फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है और मैथ भी बायोलॉजी आ रहा है ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रहा है। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ना कोई कोई क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आप साइंस को थोड़ा सा पढ़ ले ठीक है। या फिर PYQ मैं जो यूट्यूब पर डालता हूँ वीडियो, उसमें हर वीडियो में डालता हूँ PYQ जो SSC के द्वारा पूछा गया है, तो उसको भी आप देख लेंगे, तो उससे भी क्वेश्चन आने के चांस है। और बिल्कुल ईजी ही आ रहा है, मतलब ईजी से मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं इसको ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को। तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं कि साइंस का क्वेश्चन क्या करें, अगर न भी बनता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन हाँ साइंस के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, आपके पेपर में 5 क्वेश्चन के आसपास आने के चांस है, 5 क्वेश्चन आने के चांस है। तो आप साइंस के क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, मतलब अपने तरफ से प्रयास कीजिए, अगर पेपर में नहीं होता है वो तो अलग की बात है, बट अपने तरफ से आप प्रयास जरूर कीजिएगा साइंस के क्वेश्चन को ठीक है। तो साइंस का बात हो गई यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो साइंस के बारे में। अब जो लास्ट है वो है कंप्यूटर के बारे में। देखिए आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी दिया हुआ है और कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपको पेपर में, कम से कम ना 5 से 6 से प्लस ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है कंप्यूटर का। तो आप कंप्यूटर क्या करें, कंप्यूटर के लिए मैं आपको ना हर नॉन टेक वाले में और नॉन टेक का जो मेरा सेट चलता है उसमें हर सेट में आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन देता हूँ, और वही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे इनपुट आउटपुट के बारे में आ रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसर के बारे में आ रहे हैं, मतलब जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना उसके बारे में आ रहे हैं, जैसे रैम रोम हो गया उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने सारे बच्चे का एनालाइज देखा, बहुत सारे शिफ्ट का देखा, लगभग पहले 40-50 वीडियो देखा अलग अलग चैनल का, तब मैं जाकर आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या पेपर में पूछे जा रहे हैं ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, और कंप्यूटर पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पर बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ठीक है। और अगर कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका 5 से 6 नंबर ना आपका फ्री का वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पर आप ध्यान दीजिएगा। और कंप्यूटर के हर वीडियो को आप मैं लाता हूँ उसको देखिएगा, लास्ट में कंप्यूटर का
सेक्शन रहता है उसमें, तो कंप्यूटर का पूरा देखिएगा। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आरिए पॉइंट नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइएगा। आरिए पॉइंट नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर, वहाँ से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, मतलब टेलीग्राम में आप ऐड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पहले से ऐड है वहाँ पर, मैं मटेरियल भी देता हूँ और बहुत सारे PDF भी डालता हूँ, और जो भी क्लास का PDF होता है वहीं पर जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।